भी अपने बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देकर संस्कारित बनाना चाहते हैं, सरकारी नौकरी या विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके बच्चे को राष्ट्रपति पुरस्कार या पद्मश्री जैसे पुरस्कारों से अलंकृत किया जाए, तो आपके लाडले की संपूर्ण पढ़ाई निःशुल्क हम कराएंगे। पूज्य गणेश प्रसाद वर्णी जी द्वारा स्थापित संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज द्वारा पुनरुद्धारित पूज्य मुनिश्री प्रणम्य सागर जी महाराज के आशीर्वाद से संचालित श्री सियादवाद महाविद्यालय वाराणसी में। जी हाँ, यहाँ पढ़ने वाले 100 से अधिक परा स्नातक बन चुके हैं, अनेक विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर्स, 15 से अधिक प्राप्त कर चुके हैं राष्ट्रपति पुरस्कार। इतना ही नहीं, इसी वर्ष 2024 में भी एक विद्वान को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। प्रवेश प्रारंभ 10वीं अथवा 12वीं पास छात्र सीधे ले सकते हैं प्रवेश। आवास, भोजन, शिक्षण आदि सभी व्यवस्थाएं बिल्कुल निःशुल्क। श्री सियादवाद महाविद्यालय, भदेनी वाराणसी, उत्तर प्रदेश, भारत। संपर्क करें 9695338108, 9506027159, 9111229620। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। उत्तर सूत्र ग्रंथराज में अष्टम अध्याय के माध्यम से बंध तत्व का वर्णन करते हुए प्रकृति बंध का वर्णन चल रहा है, जिसमें नाम कर्म की प्रकृतियों को क्रम क्रम से बताया जा रहा है। बंधन संघात के बाद में एक कर्म आता है, संस्थान। संस्थान माने आकृति प्रदान करना। संस्थान का मतलब होता है आकार देना। तो जब निर्माण हुआ तो निर्माण कर्म के माध्यम से उपयुक्त स्थानों पर ही वह रचना हुई, और उसके बाद में जो कर्म पुद्गल परमाणुओं का आपस में बंधन हुआ, उसमें बंधन नाम कर्म सहयोगी बना, और वह बंधन छिद्र रहित हो, बिल्कुल चिकना हो और किसी भी तरह का उसमें संधि शेष न रहे, इस तरह का जो बंधन होता है वो संघात नाम कर्म के माध्यम से हो पाता है। तो संघात नाम कर्म ने इस तरह का बंधन, जो छिद्र रहित चिकना बंधन, वह प्राप्त कराया, और फिर उस संघात के बाद में संस्थान का काम है उसको आकार देना कि वह किस आकृति के अनुसार शरीर की रचना और उसके अंगोपांग आदि की रचना होती है। तो यह संस्थान जो नाम कर्म है, यह शरीर की रचना विशेष के लिए है, और इसके 6 भेद होते हैं। पहला समचतुरस संस्थान कहलाता है। समचतुरस संस्थान का मतलब होता है सम माने समान, चतुरस्र माने जिसके चारों कोने या चारों प्रकार की चौतरफा डिजाइन जिसकी समान हो, चौकोण भी जिसे आप अपनी भाषा में बोलते हैं, और वह समानता के साथ चौकोण आकार को लिए हुए जो संस्थान माने आकृति बनती है उसे समचतुरस्र संस्थान कहा जाता है। तो इस समचतुरस्र संस्थान को ही यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ संस्थान कहा जाता है। सबसे अच्छा जो शरीर का आकार होता है, जिसमें शरीर को देखने पर उसके सभी नीचे से लेकर ऊपर तक के शरीर की जो रचना है वो कहीं पर भी बेडोल ना हो, वह हर जगह पर सम आकार को लिए हुए और अंग उपांग आदि की बिल्कुल यथा नाप जैसे होती है उसी नाप के अनुसार हो, तो वह समचतुरस्र संस्थान कहलाता है। जितने भी
अच्छे अच्छे लोग होते हैं, बड़े बड़े महापुरुष, उन सब के पास में यह समचतुरा संस्थानी होता है। चाहे तीर्थंकर हों, चक्रवर्ती हों, नारायण हों, कामदेव हों, बलदेव हों, ये सभी के पास में इसी तरह का ये संस्थान रहता है। और जो भी देव होते हैं वो देव भी सभी समचतुरा संस्थान वाले ही होते हैं। चाहे वो देव भवनवासी हों, व्यंतर हों, ज्योतिषी हों, कल्पवासी हों, कल्पातीत हों, अहमिंद्र हों या इंद्र हों, सभी के लिए यह संस्थान समचतुरस संस्थान ही रहता है। और मनुष्यों में भी होता है, यह त्रियंशों में भी होता है, लेकिन कर्म भूमि के मनुष्यों में सबके लिए ऐसी कोई नियामकता नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, किंतु भोग भूमि के जो जीव हैं उनके लिए नियामकता है। भोग भूमि के जीवों में नियम से यही संस्थान होता है। दूसरा संस्थान होता है निग्रोध परिमंडल संस्थान। बट का जो पेड़ होता है, बट वृक्ष, उसको निग्रोध के रूप में कहा जाता है। और परिमंडल का मतलब होता है उसके ऊपर का गोला, घेराव, जो उसका मंडल है वो चारों ओर का, वो परिमंडल कहलाता है। तो निग्रोध के समान जिसका परिमंडल हो, जिस शरीर का, वो कहलाता है निग्रोध परिमंडल संस्थान। तो बट वृक्ष में जैसे नीचे उसका फैलाव कम होता है, ऊपर फैलाव ज़्यादा हो जाता है, तो उसी तरीके से जिन शरीरों में नाभि से नीचे के अवयव, पैर, जंघा इत्यादि, वो तो छोटे हों और ऊपर के स्थान जो है फैले हुए हों, तो वो निग्रोध परिमंडल का रूप ले लेता है। तीसरी जो होती है वो इसकी ठीक विपरीत होती है। इसमें जिसे स्वाति संस्थान कहा जाता है, और जिसके माध्यम से कि नीचे का स्थान तो भारी होगा, फैलाव के साथ होगा, और ऊपर का स्थान, ऊपर का भाग हल्का होगा, कम फैलाव वाला होगा। तो इस तरीके का जो स्वाति, जिसे बोलते हैं एक बामी टाइप की, तो उसकी ही आकृति की तरह यह रचना होती है जब शरीर की, तो वह स्वाति संस्थान कहलाता है। अब ये रचनाएं किसी के हाथ में नहीं है, ये किसके हाथ में है? ये सिर्फ नाम कर्म के हाथ में है। हम अपनी रचनाओं को मेंटेन तो कर सकते हैं, लेकिन बना नहीं सकते हैं, ना उनको बिगाड़ सकते हैं। जो जैसा बन जाता है कर्म के साथ में, कर्म के उदय में, उस तरीके से ही उस जीव को उस शरीर की आकृति के साथ में रहना होता है, है ना? तो इस तरह से ये जो शरीर के आकार हैं, समचतुरस संस्थान, निग्रोध परिमंडल संस्थान, स्वाति संस्थान, वामन संस्थान होता है। वामन का मतलब होता है जिसमें कि शरीर के अवयव सभी छोटे छोटे होते हैं। यूं कह सकते हैं कि शरीर की रचना तो कैसी भी हो, लेकिन उसके शरीर के अंग उपांग जो है अनुपात में छोटे हों, तो वामन संस्थान में आ जाता है, है ना? और वामन संस्थान का मतलब ये भी होता है कि जैसे वृक्ष हो और उसकी वृक्ष तो बहुत बड़ा हो और शाखाएं उसकी छोटी छोटी हों, है ना, तो भी वो वामन कहलाएगा। अब जिसके हाथ पैर उंगलियां सब छोटी हों, अनुपात से अगर छोटी होती हैं, तो वामन कहलाता है। और एक होता है कुब्जक संस्थान। कुब्जक का मतलब होता है कि कभी कभी आप देखोगे किन्हीं किन्हीं के शरीर पर एक कुबड़ा टाइप का होता है, है ना, तो वह भी एक संस्थान का रूप कहा गया है। अब वो भी एक ऐसा कर्म है, कर्म के उद्देश्य ही होता है, किन्हीं किन्हीं जीवों के पीठ पर एक कुबड़ा टाइप का होता है, ककुब जैसा निकला हुआ, तो उसको जो है कुब्जक संस्थान कहा जाता है। उसको भी जो है जैसा है वो वैसा ही रखना ही पड़ता है, वो है ना। कोई छोटा मोटा होता है तो कोई भी ठीक होने की गुंजाइश भी हो सकती है, लेकिन बहुत बड़ा होता है तो उसको ठीक भी नहीं होता है, वो डॉक्टरों के द्वारा उसको ऑपरेट नहीं किया जा सकता है ना। ऑपरेशन जो ये किया जाता है
ये भी उतना ही जो कुछ शरीर में विकृतियां आ गई हों या शरीर में कोई चीज़ें जो एक्स्ट्रा इस तरह से बन गई हों कि वह उस शरीर की रचना के साथ न जुड़ी हों, तो उनमें कुछ संभावना होती है, उसको ऑपरेशन किया जा सकता है। अन्यथा ये सब जो है ऑपरेशन ऑफ कर्मा कहलाता है। तो ये सबसे बड़ा ऑपरेशन है कि जो पहले से ही हमको इस तरह से स्वयं कर्मा के ऑपरेशन से मिला हुआ है, उसमें फिर अब कोई दूसरा डॉक्टर फिजिशियन कोई दूसरा ऑपरेट करके उसका ऑपरेशन नहीं कर पाता है। तो एक कुब्जक संस्थान में ऐसा ही होता है ना। फिर एक होता है हुंडक संस्थान। हुंडक का मतलब ही होता है कि अब उसकी कोई भी आकार प्रकार नहीं है, कुछ भी जितना आप उसको बेकार से बेकार इमेजिन कर सको वो सारा का सारा उस हुंडक संस्थान में आ जाएगा, है ना। कहीं पर भी कोई सिमेट्री नहीं, जैसे कि एक कोई बोरा हो और उस बोरे में बहुत सारे कंकड़ पत्थर भर दो, है ना, तो कोई इधर निकल रहा कोई उधर निकल रहा, तो इस तरीके से जो बिल्कुल इम्बैलेंस और उसकी जो डिज़ाइन बने जिसमें कुछ भी कहीं पर भी कोई भी सिमेट्री ना हो, तो वह हुंडक संस्थान हो जाता है। तो इस तरीके का जो हुंडक संस्थान है वो नियम से तो नारकी जीवों में होता है, जो भी नारकी होते हैं वो नियम से इसी हुंडक संस्थान वाले होते हैं, और जो देव होते हैं वो सब अच्छे संस्थान वाले होते हैं, बाकी बीच में सबके लिए मिक्स रहता है, अपने अपने कर्म के फल से किसी को कुछ भी मिल सकता है। अब ये कहना बड़ा मुश्किल होता है कि सम चतुरस संस्थान कितने प्रकार का हो सकता है, एक एक संस्थान भी, क्योंकि किसी भी चीज़ में अगर थोड़ी सी कमी होती है तो वो कमी कितनी रेंज तक जो है वो कमी कमी जैसी ना लगे और वो वैलिड हो, तो वो जो कमी कहलाती है वो कमी ही उसके अंदर बहुत सारे भेद है ना। अब वो सम चतुरस संस्थान में कहीं पर थोड़ा तो कुछ डिफरेंस रहता ही होगा, तो जो वो अनेक प्रकार के जो डिफरेंस होते हैं जो हमारे संज्ञान में नहीं आ सकते हैं लेकिन वो कर्म के उदय से रहते हैं, वो भी होते ही हैं, क्योंकि जीवों के संस्थान अलग अलग दिखाई देते हैं और अलग अलग उनमें जो अंतर भी आएगा तो होगा तो सब इन्हीं नाम कर्म के अंतर के कारण से। तो एक एक कर्म के भी अपने अपने बहुत असंख्यात प्रमाण के भेद हैं। फिर इसके आगे आता है सहनन, बल शक्ति, और मुख्य रूप से हड्डियों की शक्ति को सहनन कहा जाता है, है ना। आदमी कितना मजबूत है कितना बलवान है ये डिपेंड करता है उसकी बोन्स की स्ट्रेंथ पर, है ना, इस बात पे नहीं कि वो कितना ऊपर से मोटा ताज़ा दिख रहा है कितना हेल्दी दिख रहा है, इस बात पे नहीं, उसके अंदर उस सहनन के कारण से कितनी सामर्थ्य है कि वो कितना कुछ सहन कर सकता है, वो उन हड्डियों की जो बनावट होती है, हड्डियों की आपस में जो रचनाएं एक दूसरे से जुड़ कर के बनती हैं उस पर डिपेंड करता है। और ये सहनन भी छह प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? पहला कहलाता है वज्र वृषभ नाराज सहनन। सबसे पहले क्या? वज्र। फिर दूसरा वृषभ, वृषभ नाथ वाला ही वृषभ समझ लो, वृषभ भगवान। और फिर नाराज, एक शब्द है ये नाराज, और इस उसके बाद में सहनन शब्द है कॉमन सब में। तो वज्र का मतलब है जो वज्र की तरह कठोर हो। वज्र बोलते हैं एक बहुत ही सॉलिड और बहुत ही डेंस जो एक मेटल होता है वो वज्र कहलाता है, इसे हीरा भी कहा जाता है ना। आप हीरे को किसी ऐसे पत्थर से तोड़ नहीं सकते हो, उसकी काटने की मशीन, उसको शेप देने की मशीन अलग ही आती है ना। अगर आपको हीरे की कोई भी अंगूठी पे कोई नग की भी नक्काशी भी अगर आपको कहीं चेंज कराना है या कहीं होती है तो उसकी मशीनें अलग होती हैं जो उसी के साथ काम करती हैं। तो बहुत ही कठोर धातु मानी जाती है। तो उसी तरीके का ये वज्र होता है, ये वज्र को ही हीरा भी कहा जाता है। तो इसके समान है ना मजबूत क्या हो? हड्डियों के बंधन हो। और वो कैसे हो? तो एक इसमें शब्द आता है वृषभ। वृषभ का मतलब होता है वेष्टन, है ना। वेष्टन का मतलब होता है कि जैसे जब आप कोई दो चीजों को ज्वाइंट करते हैं तो ज्वाइंट करने के बाद आप उसके ऊपर एक
है ना, एक वाइसल टाइप का ऊपर से और बांध देते हैं, तो वो कहलाता है वृषभ। और जो दो चीज़ों को ज्वाइंट किया गया जिन कीलियों के माध्यम से, वो नाराज को कीली कहते हैं, है ना। तो जिसकी हड्डियों के जो जॉइंट हैं वो भी किसके हों, वज्र के ही नाराज हों, और वज्र के ही उस पर वेष्टन हों, इस तरीके से वज्र की ही बिल्कुल हड्डियां हों, तो वो कहलाता है वज्र विषभ नाराज सेना। तीर्थंकरों का भी होता है, तीर्थंकरों के अलावा और भी जो नारायण प्रतिनारायण बलदेव आदि होते हैं इनका भी होता है, चक्रवर्ती का भी होता है। और एक बहुत ही फेमस दृष्टांत तो आप लोगों को पता ही होगा, जिसे कहा जाता है हनुमान जी गिर गए और एक नीचे पत्थर की शिला थी और उस पर जा करके वो गिर गए, एक बच्चा है अभी का हुआ, और वह शिला तो चूर चूर हो गई लेकिन उनका कुछ नहीं हुआ, है ना। ऊपर जो विमान में जो लोग चल रहे हैं वो सब एकदम से घबरा गए, नीचे देखा क्या हुआ बालक का, तो बालक तो खेल रहा है और शिला चूर चूर हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि शिला तो पत्थर ही है, जो वज्र है हड्डियों का वो जो है उसकी जो ताकत है वो शिला से कई गुना होती है, तो वो शिला को भी तोड़ने के काम में आती है। तो ये एक नमूना है, इसलिए वज्र के जिसके अंग हों और वज्र जैसा जिसमें बल हो उसको बोलते हैं वज्र अंग बली, वज्रंग बली इसलिए कहा जाता है वज्र अंग। तो वज्र तो अपने बोलने में प्राकृत लैंग्वेज की तरह बोलते बोलते वज्र को है ऐसे बोलते नहीं, कई बार यूपी नहीं बोलते, अरे भाई बहुत जो कोई मतलब बलवान हो जिस पे कोई असर ही ना पड़े किसी चीज का, बड़ा वज्र का बना है क्या, वज्र माने वज्र को ही वज्र बोला जाता है। तो वज्र के जिसके अंग हो उसको कहते हैं वज्रंग, वज्र का ही बजरंग हो गया, उसी के समान जिसके पास बल हो बजरंग बली, इसलिए बजरंग बली कहलाते हैं, है ना। वैसे तो बजरंग बली जितने भी तीर्थंकर हैं सभी होते हैं, भगवान महावीर भी बजरंग बली हैं, आदिनाथ भी हैं, पार्श्वनाथ भी हैं, बाहुबली भी हैं, भरत भी हैं, सभी बजरंग बली हैं, है ना। अब दूसरे नंबर का वज्र के साथ में जो वृषभ जुड़ा हुआ है उसको हटा दो। क्या हट गया? वृषभ हटा दिया। वृषभ माने ऊपर का जो वेष्टन था, है ना, जो उसकी और मजबूती के लिए होता है, वो ऊपर की मजबूती ऊपर की वो हट गई, वेष्टन हट गया, लेकिन जो हड्डियों की आकृति है वो वज्र के ही समान है, और जो हड्डियां अभी भी आपस में जॉइंट हैं वो नाराज से ही जॉइंट हैं और वो भी वज्र के ही नाराज हैं, है ना। जैसे एक वाइसल और क्या बोलते हो आप लोग, स्क्रू, है ना, जिससे बोल्ट वगैरह जो होते हैं वो कसे जाते हैं, इसी तरीके से ये समझ लो आप। तो जिसमें वज्र का अब केवल नाराज है और वज्र की आकृति वाली हड्डियां हैं, तो इस तरह से वो हड्डियां आपस में जुड़ करके और उन वज्र की कीलियों से जुड़ी हुई हैं, लेकिन अब उसके ऊपर वेष्टन नहीं है, तो उसको समझना चाहिए वज्र नाराज सेनन, है ना। दूसरा सेनन है ये थोड़ा सा उसकी अपेक्षा से तो कमजोरी हो गया, तो इस तरीके का जिसको सेनन होगा, शक्ति होगी, जिनके अंदर इस तरह की हड्डियों की रचना होगी, उसको कहा जाएगा वज्रनारा सेनन वाला जीव। सुन रहे हैं? इन सेननों के होने पर ही बड़े बड़े अच्छे अच्छे काम होते हैं और बुरे से बुरे भी काम होते हैं, और बड़े बड़े अच्छे अच्छे फल भी मिलते हैं और बुरे से बुरे भी फल मिलते हैं। ऊपर जाने के लिए भी आपको वज्र सब नाराज सेना नहीं चाहिए। कितना ऊपर जाना चाहते हो? मोक्ष जाना है तो भी वज्र सब नाराज सेना चाहिए। और ऊपर आपको स्वर्गों में भी जो सबसे लास्ट के जो अपर लेवल के जो स्वर्ग हैं, जिनको कि हम पंच अनुत्तर विमान बोलते हैं, उनमें भी जन्म उसी जीव का होता है जिसका वज्र सब नाराज सेनन हो, ठीक है ना। नाराज सेनन वाले का, वज्र नाराज सेनन वाले का अनुत्तर विमान में नहीं होगा, अनुदिश तक उसका जन्म रह जाएगा, अनुदिश विमान में उसका जन्म होएगा वहां तक। तो ऐसे जैसे जैसे सेनन कम होते जाएंगे, ऊपर ऊपर के जो विमान हैं उनमें भी जो है उसकी दूरी नीचे नीचे रह जाएगी, कम होती जाएगी, क्योंकि उसी तरीके की शक्ति के साथ में उतना पुण्य अर्जित होता है,
उसी तरीके की शक्ति से उस तरह के ध्यान होते हैं जिससे उस तरह की कर्म की निर्जरा हो और पुण्य का बंध हो जो वहां तक ले जाए। तो ये सहनन पर डिपेंड करता है, ध्यान करना भी सहनन पर होता है, कर्म करना भी सहनन पर होता है। कर्म की शूरता वो भी शक्ति के अनुसार होती है और धर्म में भी शूरता शक्ति से ही आती है। इसलिए कहा जाता है जो कम में सूरा सो धम में सूरा, जो बड़े बड़े हथियार चलाना जानते हैं वो फिर जो है बड़े बड़े चक्र चलाना जानते हैं, बड़े बड़े युद्ध करना जानते हैं, वही लोग कर्मों से युद्ध करते हैं, वही लोग ध्यान के समाधि के चक्र अपने अंदर चलाते हैं और वही लोग जो है इस तरह से धर्म में भी शूर होकर के बड़े बड़े पदवियों को प्राप्त करते हैं। तो ये अच्छे फलों के लिए भी इस तरह के सेनन होते हैं, और जब कोई बुरा फल मिलता है नरकों में जाने के लिए, जब लोग अधिक से अधिक पाप करते हैं तो उसके लिए भी सप्तम नरक में पहुंचने के लिए छोटे मोटे सेनन वाले नहीं पहुंचेंगे, तो बद जब सब नाराज सेनन होना चाहिए। तो ये अच्छा वाला सेनन होगा तो ही अच्छा सातवां नरक मिलेगा, नहीं तो ऊपर के नरकों में ही रह जाओगे, है ना। हाँ, तो अभी वर्तमान में तो ना तो आपके लिए किसी के लिए, हमारे लिए किसी के लिए भी ना तो मोक्ष है और ना ही बहुत बड़े बड़े ऊपर के अनुदिस और अनुत्तर विमानों वाले स्वर्ग मिलने वाले हैं और ना ही नीचे के नरक मिलने वाले हैं, क्योंकि ये सब लोग बीच के हैं, है ना। क्योंकि पंचम काल में ये ऊपर वाले जो तीन सेनन है वो तो होते ही नहीं। तो वज्र वृषभ नाराज सेनन पहला, दूसरा वज्र नाराज सेनन, और तीसरा अब रह गया केवल नाराज सेनन, है ना। अब इस तीसरे सेनन में वज्र का कोई काम नहीं रहा, सिंपल रह गया। नाराज में इतना जरूर है कि वो जो हड्डियां हैं नाराज से सहित हैं, कीलियों से सहित हैं, वेष्टन उनके ऊपर भी नहीं है, लेकिन अब वज्र जैसे कोई चीज नहीं रह गई, वो सिंपल कीलियों से जुड़ा हुआ वह हड्डियों का समूह रहेगा। आपस में उनमें जो संधियां बनी रहती हैं उसके कारण से वो कीलियों से आपस में जुड़े रहती हैं और उनमें नाराज के माध्यम से उनमें मजबूती बनी रहती है। तो वज्र नहीं होने के कारण से ये तीसरा सेनन भी नाराज सेनन है, ये भी उत्तम है। इससे भी जो है मतलब ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान की योग्यता आती है, लेकिन ये भी वर्तमान में ऐसा सेनन भी नहीं होता। तीन सेनन ये उत्कृष्टता में आ जाते हैं। अब इसके बाद में जो आता है वो है अर्ध नाराज सेनन। अर्ध मैंने अब वो नाराजपना जो है, कीलियां जो किसी चीज को अगर हमने जोड़ा हो और कीलियां दोनों आर पार निकल गई हो तो वो चीज अच्छी मजबूती से जुड़ती है। अब अर्ध नाराज में क्या होगा कि कीलियां एक तरफ तो जुड़ी होंगी और दूसरी तरफ नहीं जुड़ी होंगी, इसलिए उसको अर्ध नाराज कहा जाएगा, है ना। एक साइड तो जो है आपको कीलियों का जॉइंट दिखाई देगा, दूसरी साइड वो जॉइंट निकल के नहीं आएगा, तो आधा जुड़ा है आधा जो है हिलगा हुआ है, तो वो कहलाता है अर्ध नाराज सेनन। इस तरीके से जो शरीरों के अंदर जो हड्डियों के जॉइंट हों तो उनको जो है अर्धनाराज सेनन कहा जाता है। फिर इसके बाद में आता है कीलक सेनन, है ना, ये पांचवें नंबर का सेनन है। तो कीलक सेनन में बस ये समझ लो कि हड्डियों की शेप इस तरीके से होती है कि उनकी जो संधियां होती हैं वही आपस में जुड़ जाती हैं, हड्डियों में ऐसे हड्डियां फंस गई, है ना, तो वही उसके लिए जोड़ने का काम कर लेती हैं। तो हड्डियां आपस में भी जुड़ी रहने का नाम ये कीलक सेनन कहलाता है। और छठवां जो होता है वो असंप्राप्ता श्रपाटिका सेनन। असंप्राप्त श्रपाटिका सेनन का मतलब यह है कि जैसे जो रेंगने वाले जीव होते हैं उन्हें सरीसृप जाति के जीव कहा जाता है, तो उस तरह के जीवों में जो हड्डियों के आपस में बंधन होते हैं वो बड़े लचीले होते हैं, कठोरता नहीं होती। जैसे आपने कभी सांप देखा हो, है ना, या कोई छिपकली वगैरह हो, तो ऐसे जो ये सरीसृप जाति के जीव होते हैं इनके शरीर के अंदर की हड्डियां, उनकी जो शिराएं होती हैं मतलब बोन्स के साइड से फैली हुई जो शिराएं होती हैं उनसे ही केवल विधि हुई होती हैं, है ना। जो शिराएं होंगी और जो वहां पर मांस होगा उससे ही केवल वो बंधी हुई होंगी, आपस में हड्डियां बंधी हुई नहीं होती हैं, है ना। तो इसको बोलते हैं असंप्राप्ता श्रपाटिका सेनन। तो इस तरीके का सेनन सबसे जघन्य होता है, हल्के दर्जे का होता है। ये जीव कभी भी कोई भी इसके ऊपर छोटी सी भी कोई चीज गिर पड़े तो टूट जाता है।
तो इस तरीके के सहनन के माध्यम से कोई भी बड़ा धर्म ध्यान नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। तो ये तीन प्रकार के जो लास्ट के सहनन हैं, इन्हीं को पंचम काल में होना बताया गया है। पंचम काल में सब जीवों को अगर होंगे तो लास्ट के तीन सहनन होते हैं, है ना, ऊपर के तीन सहनन नहीं होते हैं। और अगर इन तीन सहननों के हिसाब से हम स्वर्गों की व्यवस्थाएं देखें तो आचार्य कहते हैं कि लास्ट सहनन वाला भी जो है लगभग सौधर्म ईशान स्वर्ग से लेके लांतव काफी स्वर्ग तक पहुंच सकता है ना, इतना उसमें भी योग्यता रहती है। सेकंड लास्ट वाला जो होगा वो उससे भी ऊपर पहुंच जाएगा, है ना। मतलब ये समझ लो कि वो जो है 12वें स्वर्ग तक पहुंच सकता है, और थर्ड वाला होगा तो वो जो है 16वें स्वर्ग तक पहुंच सकता है। तो अधिक से अधिक ये 16वें स्वर्ग तक पहुंचना भी जो है वर्तमान में कठिन है, सब कुछ जो है 12वें स्वर्ग तक ही एंड हो जाता है। तो स्वर्ग में कहीं पर भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपके लिए, तो पहला भी स्वर्ग बहुत बड़ा स्वर्ग है जिसमें सौधर्म इंद्र रहता है। तो स्वर्गों की ऊंचाइयां नापने से कोई मतलब नहीं, स्वर्ग की प्राप्ति होना ही अपने आप में बड़ी चीज होती है। तो इस तरह से इन सहननों के आधार पर ही धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान होते हैं। जैसे जो जीव छपक श्रेणी पर चढ़ने वाले होंगे तो वो तो नियम से वज्रभृषभ नाराज सहनन वाले ही होंगे, क्योंकि छपक श्रेणी को आरोहण करने वाले जीव अष्टम नौवें दसवें बारहवें गुण स्थान में जाने वाले जीव नियम से मोक्ष की प्राप्ति करते हैं, केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो ऐसे जीव नियम से वज्रभृषभ नाराज सहनन वाले होते हैं। उपशम श्रेणी पर चढ़ने वाले जीव ऊपर के तीनों सहनन वाले हो सकते हैं, लेकिन छपक श्रेणी पर जो जीव चढ़ेगा, जो जीव केवल ज्ञान को प्राप्त करेगा, वो नियम से वज्रभृषभ नाराज सहनन वाला ही होना चाहिए। तो जो हड्डियां मिली हैं उनकी मजबूती जो रहती है वो चीज अलग है, और जो ये चीजें हम ऊपर से बनाते हैं सिक्स पैक और ये सब चीजें, इनसे कुछ नहीं होने का। तो ये तो सब जब तक कर रहे हो तब तक है, जिस दिन छोड़ दोगे उस दिन बिल्कुल लुजपुज हो जाओगे, है ना। तो ब्लड चेंज हो सकते हैं, लेकिन किसी की भी ऐसी जो बोन्स की जिस तरीके से रचना बनी हुई है वो कभी भी चेंज नहीं हो सकती है। तो इस तरह की जो एक स्वयं बनी हुई व्यवस्था कर्म के उदय से है, हम उसको भी ध्यान में रखें, है ना। हम डॉक्टर को भगवान कहते हैं, भगवान को भगवान कहते हैं, कर्म को कभी भगवान नहीं कहते हैं। तो सबसे बड़ा भगवान कौन है? जो ये कर्म है ना, जिनसे ये संस्थान बन रहा है, जिनसे ये सहनन मिल रहा है, ये सबसे बड़े कर्म है। इन्हीं कर्मों के फल से धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान होते हैं। तो जिन व्यक्तियों के अंदर इस तरीके की सहनन शक्ति होगी वो ही ध्यान कर पाते हैं। ध्यान में एकाग्रता आना, आप कहते हो एकाग्रता नहीं आती, तो एक तो ये है कि आपके लिए डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा है इसलिए एकाग्रता नहीं आती। एक भीतर जो एक उसका बहुत बड़ा कारण है वो ये भी होता है कि अगर आप शरीर से बहुत कमज़ोर हो, अगर आपका सहनन बहुत कमज़ोर है, तो आप थोड़ी देर भी स्थिर होकर के एक जैसा बैठ नहीं सकते हो। तो ये आपकी स्थिरता की कमी के कारण से ध्यान की कमी होती है। इसलिए ध्यान उन्हीं के लिए लगता है जिनके लिए आसन की स्थिरता होती है। जब ज्ञानाड़ा पढ़ा रहा था तो उसमें आसन का प्रकरण भी आपको पढ़ाया है ना, तो कभी सुनना। तो जो आसन को लगा पाएंगे वही ध्यान को अच्छे ढंग से कर पाएंगे, और आसन उन्हीं से लगेगा जिनके पास में कुछ सहनन हो भीतर से, है ना। इसलिए जैसे आप देखोगे बहुत से लोग ऊपर से बड़े कोमल से दिखते हैं लेकिन भीतर उनकी स्ट्रेंथ अच्छी होती है। सुखमाल मुनि का नाम तो सुना ही है ना, है ना। तो ऊपर से तो इतना कि जो है अगर तुम्हारे कितने भी अच्छे ग्रेनाइट के और कितनी अच्छे टाइल्स लगे हो, इन फर्शों पे भी तो कभी चले नहीं होंगे वो, और इन पे भी चलने में उनके पैर छलनी हो जाए, इतने कोमल, समझ आ रहा है। अब भीतर उनका सहनन कब देखने को मिलता है? जब वो तपस्या करने लग जाते हैं, है ना, ठीक है ना। तो इस तरीके के जो आपने उदाहरण सुने हैं कि सुखमाल मुनि छलनी छलनी हो गए, पैरों से खून निकल रहा है, लेकिन जब स्यालनी ने काटा तो डगमगाए नहीं, वो उनका सहनन था, धैर्य था, शक्ति थी, ये इस सहनन से होता है, है ना। तो इस तरीके से इन चीजों को हम समझें, अच्छी इसलिए कह रहा था, अच्छी इंटरेस्टिंग चीजें। आगे और बढ़ते हैं। स्पर्श रस गंध और वर्ण ये भी चार
कर्म के नाम हैं और इनके माध्यम से भी शरीर के अंदर ये चार चीजें उत्पन्न होंगी। और ये इसलिए भी क्योंकि शरीर की रचना पौद्गलिक है और पुद्गल का ये गुण है स्पर्श रस गंध वर्ण, तो जब अनेक पुद्गल अनंत पुद्गलों का ये मिला हुआ जब ये इतना स्थूल शरीर बनता है तो इसमें भी एक कोई स्पर्श है, कोई रस है, कोई गंध है, कोई वर्ण है, ये इसके लिए अवश्य ही प्राप्त हो जाता है। तो ये भी सब अंतरंग में तो नाम कर्म का उदय है और बाहर जो है इस नौकर्म शरीर में पुद्गल में इस तरह के ये जो स्पर्श आदि महसूस होते हैं ये इनका फल होता है ना। तो जो आपने सुन रखा है स्पर्श कितने प्रकार का होता है, 8 प्रकार का होता है ना, कैसा, हल्का भारी है ना, ठंडा गरम, चिकना नरम, कठोर और कोमल। ये जो 8 प्रकार का स्पर्श है हर किसी के शरीर में कोई ना कोई इस तरह के स्पर्श होंगे। इसी तरीके से 5 प्रकार का रस होता है ना, खट्टा मीठा कड़वा कसायला चरपरा। तो उसी को आप जान लो ये 5 प्रकार के रस हैं। तो शरीर में ये रसों की उत्पत्ति, इन रसों का भी कुछ ना कुछ उस शरीर के साथ में फल जरूर उस शरीरों को मिलता है ना। अब जो ये रस के नाम गिनाए जा रहे हैं कड़वा खट्टा कसायला, तो ये तो जो है स्पेशल आपको पता है, खट्टा है तो भाई नींबू होगा खट्टा है, ऑरेंज ले आओ खट्टा है, तो ये तो आपको खट्टा हो गया। चरपरा है तो आप मिर्ची ले आए चरपरी हो गई, ठीक है ना। कटु है तो करेला ले आए कटु हो गया, कसायला आंवला ले आए हो गया। ये सब चीजें भी जो बनी हुई हैं इनमें भी ये जो जीव रहते हैं उन जीवों के ही फल से वो उनके यह रस उत्पन्न होते हैं। नहीं समझ में आया, जैसे अगर नींबू में खट्टापन है तो नींबू में चूंकि वो वनस्पति का एक है तो उस एकेंद्रीय जीव के अंदर इस तरीके के उन शरीरों के ये सब मतलब रस मिलकर के ये खट्टे रस के रूप में ये सामने आ जाता है ना। तो स्पेशली देखने में आएगा रस का उदय खट्टा तीखा वगैरह, तो ऐसे एक इंद्रिय आदि जीवों में देखने में आ जाएगा। लेकिन शरीर में सब जो भी जीव होंगे 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय 5 इंद्रिय सबके शरीर में ये स्पर्श रस गंध वर्ण का उदय रहता है। गंध तो आप जानते ही 2 प्रकार की है, हाँ? अच्छी और बुरी, तो बस वो 2 प्रकार की गंध हो गई। और वर्ण जो है कलर माने 5 प्रकार का कलर होता है ना, लाल पीला सफेद काला और एक नीला, ऐसा करके बाकी सब कॉम्बिनेशन से बन जाते हैं। तो ऐसे करके 5 प्रकार के कलर समझ लो है ना। और कहीं कहीं थोड़ा बहुत जो अंतर भी आता है कलरों में तो वो भी जो है इसी रूप में आ जाता है, कहीं काला नीला की जगह पर कहीं कहीं हरा भी आ जाता है, तो किसी नीले की जगह पर कभी हरा भी आ जाता है। तो ये 5 प्रकार के कलरों के भी जो शरीर दिखाई देते हैं वो भी ये वर्ण नाम कर्म के कारण से होते हैं ना। अब एक होता है अनुपूर्वी नाम कर्म, कौन सा, हाँ अब इसको भी समझें कि अनुपूर्वी का मतलब ये होता है एक गति को छोड़कर दूसरी गति में जब तक वह जिस योनि स्थान पर जहाँ उसका जन्म होना है वहाँ तक नहीं पहुँचता तब तक जो आकाश में उसकी गति होती है उसको विग्रह गति कहते हैं। तो आत्मा की शेप उस विग्रह गति में भी पूर्व शरीर के आकार की बनी रहती है, पूर्व माने जिस शरीर को छोड़ करके वो जा रहा है, और वो बीच में शेप उतने ही टाइम तक रहेगी जब तक कि वो विग्रह गति में है। जहाँ पर उसका जन्म होना है जन्म के साथ ही इसका नाम कर्म का उदय का खेल समाप्त हो जाएगा, इसका खेल सिर्फ जो है विग्रह गति के लिए होता है ना, अनुपूर्वी नाम कर्म। लेकिन अनुपूर्वी ये 4 गतियों की तरह 4 प्रकार की हो जाती है, 4 गतियां ना, नरक गति तो नरक गत्यानुपूर्वी,
देवगत्यानुपूर्वी, मनुष्य गत्यानुपूर्वी और त्रियंश गत्यानुपूर्वी। अब ध्यान में ये रखना है कि नरक गत्यानुपूर्वी का मतलब यह है कि जो नरक की ओर उस आत्मा को ले जाए, किसकी ओर ले जाए, नरक की ओर ले जाएगी जो गति ये अनुपूर्वी, उस कर्म का नाम कहलाएगा नरक गत्यानुपूर्वी। लेकिन जो विग्रह गति में उस आत्मा की जो आकृति रहेगी वो पूर्व शरीर के आकार की रहेगी, यानी वो मनुष्य के शरीर को छोड़ के जा रहा है तो विग्रह गति में मनुष्य की आकृति रहेगी, त्रियंश के शरीर को छोड़ के जा रहा है तो त्रियंश की आकृति रहेगी, लेकिन नाम जिस अनुपूर्वी का वो रहेगा जिस गति की ओर जा रहा है। तो नरक गति की ओर जाने वाले जीव के लिए नरक गत्यानुपूर्वी, देव गति की ओर जाने वाले जीव के लिए विग्रह गति में पूर्व शरीर का जो आकार रहेगा उसका नाम कहलाएगा देव गत्यानुपूर्वी, मनुष्य गति में जाने वाले जीव के लिए जो पूर्व शरीर का आकार रहेगा उसके लिए कहा जाएगा मनुष्य गत्यानुपूर्वी, और त्रियंश के शरीर में जो उत्पन्न होने वाला है और उसका जो पूर्व शरीर का आकार है उसके लिए कहा जाएगा त्रियंश गत्यानुपूर्वी। इन गति में और गत्यानुपूर्वी में क्या अंतर हो गया, एक गति भी थी ना, तो गति क्या कर रही है, गति केवल जो है उस गति का काम है गमन कराना, है ना, तो गमन कराते हुए किधर ले जाना, तो गत्यानुपूर्वी के माध्यम से वो गमन होगा, तो नरक गत्यानुपूर्वी ही जो है उसको नरक गति की ओर ले जाएगी। और गति का उदय तो उसके लिए जन्म लेने के बाद भी बना रहेगा, लेकिन गत्यानुपूर्वी का काम केवल बस ये बीच के स्पेस में है, गति के अनुसार ही गत्यानुपूर्वी हुआ करती है, इसलिए गति और गत्यानुपूर्वी में अंतर भी है और उनकी एक साथ संयोजना भी बनती है। इस तरह से जैसी आयु है वैसी ही गत्यानुपूर्वी होगी और वैसी ही उसकी गति होगी, तो ये तीन चीजें एक साथ चलेंगी, त्रियंश आयु, त्रियंश गति और त्रियंश गत्यानुपूर्वी। आयु का काम उस गति में लंबे समय तक रखना या जितनी उसकी आयु है उतने समय तक रखना, उस आयु के साथ इस शरीर का समापन होने के बाद जैसे ही शरीर दूसरे शरीर छूट जाता है और आत्मा दूसरे शरीर के लिए गमन करती है तो आयु भी उसी समय शुरू हो गई, गति भी उसी समय शुरू हो गई, लेकिन काम चल रहा है गत्यानुपूर्वी का, और उस गत्यानुपूर्वी के माध्यम से वह जिस शरीर को प्राप्त करना है वहां जाकर के उसकी उत्पत्ति हुई, तो वह फिर आयु जब तक कि उसकी आयु कर्म का बंध है तब तक उसका उदय रहेगा, और जब तक उदय रहेगा तब तक उसका वहां जीवन चलेगा, और उस गति नाम कर्म के कारण से उसको गति की फीलिंग भी आएगी कि मैं मन श्री जीर्ण वाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जन मन हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरी तिथियराणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुनई मैये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोख पदम पावई सासद मोख पदम पावई। यदि आप भी अपने बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देकर संस्कारित बनाना चाहते हैं, सरकारी नौकरी या विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके बच्चे को राष्ट्रपति पुरस्कार या पद्मश्री जैसे पुरस्कारों से अलंकृत किया जाए, तो आपके लाडले की संपूर्ण पढ़ाई निःशुल्क हम कराएंगे। पूज्य गणेश प्रसाद वर्णी जी द्वारा स्थापित संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज द्वारा पुनरुद्धारित पूज्य मुनिश्री प्रणम सागर जी महाराज के आशीर्वाद से संचालित श्री सियादवाद महाविद्यालय वाराणसी में। जी हाँ, यहाँ पढ़ने वाले 100 से अधिक परा स्नातक बन चुके हैं, अनेक विद्यालयों में प्रोफेसर्स, 15 से अधिक प्राप्त कर चुके हैं राष्ट्रपति पुरस्कार। इतना ही नहीं, इसी वर्ष 2024 में भी एक विद्वान को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। प्रवेश प्रारंभ 10वीं अथवा 12वीं पास छात्र सीधे ले सकते हैं प्रवेश। आवास, भोजन, शिक्षण आदि सभी व्यवस्थाएं बिल्कुल निःशुल्क। श्री सियादवाद महाविद्यालय, भदेनी वाराणसी, उत्तर प्रदेश, भारत। संपर्क करें 9695338108, 9506602715, 9111229620,